हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांगी गुप्ता कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम हॉस्टल वार्डन के लिए नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान, इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है, इसे हम पढ़ते क्यों हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो देखिए, अगर हम इस विषय की बात करें तो जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, या कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत आप किसी बच्चे की क्या करते हैं, समस्याओं को वो अपने लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो जैसे ही बच्चा माता के गर्भ में आता है, तो माता के गर्भ से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक, जब तक वो अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कि उसे किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उसका विकास किस तरह होना चाहिए, उसे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका हम डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह का हम इसमें अध्ययन करते हैं। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्यों है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी इसलिए होता है ताकि चाइल्ड साइकोलॉजी की मदद से हम क्या कर सके, बच्चे के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। बच्चे का जो वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो आपके एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे बच्चे की योग्यता से हो, उसकी रुचियों से हो, उसके शारीरिक विकास से हो, मानसिक विकास से हो, उसका जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट सिर्फ आपके शारीरिक और मानसिक विकास तक नहीं है, उसका डेवलपमेंट सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, नैतिकता का भी विकास, ये सब हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। हम बाल मनोविज्ञान को जितना बेहतर ढंग से समझेंगे, हम बच्चे को भी उतने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। मैंने ये चीज आपको बताया कि जब बच्चा क्या होता है, माता के गर्भ में होता है। अब देखिए, माता के गर्भ में होता है तो उसका विकास किस तरह से होता है, ये माता के गर्भ में बच्चे के विकास को दर्शा रहा है, क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या करते हैं, किसी बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हैं। उसका डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से नहीं होता, उसका डेवलपमेंट हर तरह से होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है माता के गर्भ से, तो माता के गर्भ में बच्चों का विकास किस प्रकार होता है ये भी हम समझेंगे। तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसमें गर्भावस्था, तो आपने देखा कि गर्भ में बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट होता है और आपके एंड तक वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चे का क्या होता है, बच्चा जन्म ले लेता है। अब देखिए, ये क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, अब इसने क्या किया है, जन्म लिया है। अब ये बच्चे का क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में आ रहा है। बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें आप अर्ली चाइल्डहुड भी पढ़ेंगे। आप धीरे धीरे, आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है तो सिर्फ आप समझने का प्रयास करिएगा, धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का धीरे धीरे विकास हो रहा है। देखिए, विकास और वृद्धि में ना आप अंतर देखेंगे, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की जाए तो बच्चों के विकास में देखा जाता है कि विकास की एक छोटी इकाई होती है वृद्धि, वो वृद्धि भी आपसे क्या होती है, वृद्धि विकास से जुड़ी हुई होती है। तो आप देखेंगे कि विकास और वृद्धि किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह बच्चा का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, फिर बच्चा क्या करता है, अपने शिशु अवस्था से बाल्यावस्था को पार करते हुए किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था से वो अपने युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और अंत में वो कहां पहुंचता है, आपकी वृद्धावस्था में पहुंचता है। वृद्धावस्था के बाद बच्चा क्या करता है, अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु जब होगी तो बच्चे का सिंपल सी बात है, विकास रुक जाएगा, ऑन स्पॉट वहीं पर विकास खत्म होगा। तो आपने क्या देखा कि बच्चा होता है, इस छोटे से बच्चे का क्या होता है, गर्भावस्था से विकास शुरू होता है और वृद्धावस्था तक चलता है। विकास की अगर हम बात करें तो विकास जो है ना वो कंटिन्यू चलने वाला एक प्रकार का प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं।
अब हमारे साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, हम साइकोलॉजी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन देखिए किसी भी विषय को ना स्टार्ट करने से पहले हमारा उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं होता है। साइकोलॉजी हमें समझाती है कि हम किसी चीज को कितने डीप से पढ़े और हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पढ़े। क्योंकि साइकोलॉजी का काम ही है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, उसी प्रकार चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करेंगे, बच्चों को जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी उनमें अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी कहना चाहिए एक लाभ और हानि कह सकते हैं इसको हम, कि बच्चों के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है और निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने लगता है। तो उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को समझने के लिए हम चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कि चाइल्ड साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का क्या करता है, विश्वसनीय समाधान देना है। ये पहला पॉइंट हो गया कि ये क्या करता है, बच्चों के व्यवहार से संबंधित। मैंने आपको बताया चाहे कि बच्चे का भी जितना भी डेवलपमेंट दिख रहा है ना आप लोगों को, इवन आप लोग जो बातचीत भी कर रहे हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, भाषागत विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किससे जुड़ा है, आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा है, आपके बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विश्वसनीय समाधान देता है। उदाहरण की हम बात करें तो मान लीजिए उदाहरण के रूप में दिया है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय है, अवसाद है, या झिझक खा रहा है, या क्या कर रहा है, बिस्तर गीला करने जैसी समस्याएं। देखिए एक छोटा सा बच्चा होता है ना, आप लोग बच्चों में बहुत ज्यादा चेंजेस पाते होंगे, क्या होता है हम कभी कभी हम बच्चों की परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसके साथ ये नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जब वो बाल्यावस्था को पार करते हुए किशोरावस्था, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा बहुत ज्यादा तनाव महसूस करता है, वो ऐसी ऐसी गलतियां कर डालता है जो समाज में अपराध माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमें बच्चों की समझ नहीं होती है, हम बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, वो खुलकर अपनी बात पे नहीं रख पाता है। क्या अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे समझेंगे तो क्या आप ये गलतियां करेंगे? आप पर ही निर्भर करता है कि आप बच्चे को किस राह पर कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो एक स्टेज आती है आपकी किशोरावस्था की। अब देखिए किशोरावस्था की बात करूं आज, आप बस आप समझिए कि जब बच्चा छोटा होता है, विकास की भी कई अवस्थाएं होती हैं। हम क्या है अभी युवावस्था में है, इसके पहले हम किशोरावस्था में थे। तो किशोरावस्था की बात करूं तो किशोरावस्था में ये होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा तनाव महसूस करता है उसमें बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लड़कों में जैसे उनका दाढ़ी मूछ का आना, उनके शारीरिक रूप में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लड़कियों में पीरियड्स का शुरू होना। तो ये सब प्रॉब्लम क्या है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है और उन पर क्या किया जाता, खुल के बात भी नहीं किया जाता। तो जब क्या होता है ना, हम बच्चों के साथ खुलकर बात नहीं करते हैं तो इन सब दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, हमें क्या उन बच्चों को ही सारी चीजें झेलनी पड़ती है। तो जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है, आपको इस सब्जेक्ट में यही सब पढ़ना है, तो आप समझेंगे कि वास्तव में होता क्या है, किशोरावस्था क्या होता है, गलतियां क्यों होती हैं, ये सारी चीजें आप समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बालक को किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब समझने में कौन हेल्प करता है, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। जैसे इसमें दिया था कि जब बच्चा कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक से खेल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, या क्या करता है, झिझक मतलब संकोच खाता है, और ये अवसाद की स्थिति आती है। कोई कोई बच्चे बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, अलर्ट होते हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले होते हैं, गुमसुम से रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। तो ये सब क्या होता है, बच्चे अपने मन की बात नहीं कह पाते, उनकी जो मन स्थिति होती है ना, उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं जो हम नहीं समझ पाते, और हम उन्हें फटकारने पर ज्यादा जोर देते हैं। होता क्या है कि जब बच्चा कोई सवाल करता है, हमारे पास आता है, तो चल हट, इस तरह की बातें हम कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ना 5 साल का भी बच्चा है ना, तो उसके अंदर भी एक स्वाभिमान है, वो आपसे बोलेगा। लेकिन हमको क्या लगता है कि ये बच्चा है, इसका कितना दिमाग होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी कि एक बच्चा है उसमें क्या समझ होगा, वास्तव में वो
उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि वो चीज़ों को समझ सके। उसमें भी एक होता है ना कि उसे भी दुख पहुंचता है। तो हमारा सबसे पहला ये है कि हम बच्चों को समझें। चाइल्ड साइकोलॉजी का सबसे पहले नियम है कि आप बच्चों को समझें, वो जैसा बोल रहे हैं उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुने, उसके बाद आप कोई स्टेप लें। तो इस तरह की बिस्तर गीला करना, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसे हम चिढ़ाते हैं घर में ही ऐसे, तो इससे क्या होता है, उसे वो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करता है। भले ये देखने में बहुत सामान्य चीज़ें लग रही हैं, पर वास्तव में ये बच्चे को अंदर ही अंदर थोड़ा सा तोड़ती है। और थोड़ा थोड़ा करते जब बच्चा कब इतना गुमसुम हो जाता है, शांत हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी का, क्योंकि साइकोलॉजी हमें समझाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों में आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, अगर हम देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक है आपके, कोई कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, बच्चों पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया था कि बच्चों का विकास कैसे होता है, उनमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, हमें बच्चों को किस प्रकार समझना चाहिए, हमें उनका किस प्रकार मदद करना चाहिए, हमें एक बच्चे को किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसा आप बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। अब देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया इन्वायरमेंट। आप ऐसे देख सकते हैं कि अब हम दैनिक जीवन में जो चीजें होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, जिसे आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे बच्चे आपसे पैसे मांगते हैं, कई जगह आप देखते होंगे, तो ये क्या ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाता है कि उन्हें सिखाया जाता है, वो ऑटोमेटिक चीजें सीखने लगते हैं, तो वो ये सब काम करने लगता है। अगर उसी बच्चे को आप एक पढ़े लिखे माहौल में रखें, उसे समझाएं, उसे अच्छा महसूस कराएं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो वही बच्चा, बच्चा एक ही है, लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि उस बच्चे को हम किस इन्वायरमेंट में ले जाएं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एक जो हम इम्पैक्ट देखते हैं ना, वो इन्वायरमेंट का भी देखते हैं कि वो हम पे डिपेंड करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे को तो नॉलेज नहीं रहता है, ये हम ही देखते हैं। तो उसी चीज को बोला कि एक छोटा सा बच्चा है ना, उसका इन्वायरमेंट ही एक बच्चे को बनाता है। तो इन्वायरमेंट का बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए, ये कौन है आपके, स्कीनर साहब है, इन्होंने बच्चों पर कुछ स्टडी किया है। तो उन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। तो उन्होंने बताया है, स्कीनर साहब ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, हम उसे किस प्रकार सिखाएंगे, वो डिपेंड करता है। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी को जितना बेहतर समझेंगे, हम बच्चे पर भी फॉलो कर सकेंगे, उस पर लागू कर सकेंगे, और उसे बेहतर से बेहतर क्या दे सकेंगे, इन्वायरमेंट दे सकेंगे, ताकि बच्चा क्या कर सके, लर्न कर सके, और भविष्य में जब वो भी क्या करेगा, जब धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसमें नैतिकता का विकास होगा, उसमें ऐसे सामाजिक तत्व आएंगे जो अपने आसपास के लोगों को भी क्या करेगा, वो सिखाने का काम करेगा। तो इनके अनुसार क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी वो है जिसमें हम क्या करते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को समझते हैं या उसका स्टडी करते हैं। तो ये है आपके स्कीनर साहब के अनुसार। यहां से सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है सवाल की अगर हम बात करें तो, किस मनोवैज्ञानिक एक कथन दे देगा और ये किसके अनुसार है। तो ये कथन को ध्यान दीजिएगा, ये कथन आपके स्कीनर साहब के अनुसार है। ये हमारे स्कीनर साहब है जो मानते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी सीखने सिखाने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी को आप समझ जाएंगे तो कितने बेहतरीन ढंग से सिखाना है, कितना सिखाना चाहिए, क्या कमी है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब आप समझ जाएंगे और बच्चा इम्प्रूवमेंट अच्छा करेगा, सीखेगा अच्छा। नेक्स्ट जो आपके साइकोलॉजिस्ट है वो क्रो ऑन क्रो है। ये जो क्रो एंड क्रो है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये कहते हैं कि जो हमारा बाल मनोविज्ञान है वह एक प्रकार का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसे एक वैज्ञानिक अध्ययन है, कैसे साइंटिफिक स्टडी है, तो साइंटिफिक स्टडी ऐसा है आपका कि जो व्यक्ति व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। उन्होंने क्या बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी, आपके जो स्कीनर साहब है वो मानते हैं कि जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मदद करता है या स्टडी कराता है। लेकिन जो आपके क्रो एंड क्रो जो साइंटिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, कौन आपके क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो का मानना है
कि जो बच्चा होता है ना, बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो माता के गर्भ से लेकर किशोरा अवस्था तक हम उसकी अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं या अध्ययन करते हैं। किस रूप में? आपके वैज्ञानिक रूप में हम उसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं। किनके अनुसार? आपके क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए, किशोरावस्था, बस इतना जानिए कि किशोरावस्था जो एज होता है ना, वो बाल्यावस्था के बाद आता है। इसके बाद हम लोग सीधा क्या करेंगे, विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो ये जो होगा आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, ये अवस्था क्यों होता है। अभी बस ये समझिए कि जो हमारा किशोरावस्था है, मतलब जब बच्चा, ये किशोरावस्था आप ऐसे इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। देखिएगा, ये जो है आपका, ये दोनों जो एज है, ये किशोरावस्था के बीच का एज है। तो इनकी एज की बात कर रहे हैं कि जो हमारा बच्चा होता है वो यहां तक क्या करता है, हम इसका स्टडी करते हैं। किस रूप में? साइंटिफिक रूप में। किनके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये तो क्रो एंड क्रो हो गए। अब बात करते हैं जेम्स ड्रेवर। ये कौन है आपके? जेम्स ड्रेवर। ये भी बच्चों पर क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे हैं। और इनके अनुसार चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के जब तक बच्चा परिपक्व होता है, परिपक्व बच्चा क्या होता है, अगर हम उसके विकास की बात करें तो बच्चा वृद्धावस्था तक हमेशा लाइफ के, अपने जीवन के कुछ ना कुछ अनुभव को महसूस करता है, कुछ ना कुछ सीखता, एक्सपीरियंस करता है। तो ये किन के अनुसार है आपके? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो तीनों मनोवैज्ञानिक थे, तीनों मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से मनोविज्ञान को स्पष्ट किया। लेकिन अगर सामान्य बातें की जाए तो सामान्य बात यह है कि चाइल्ड साइकोलॉजी में आप बच्चे का क्या करते हैं, गर्भावस्था से लेकर उसके जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके डेवलपमेंट को समझते हैं, उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जनक, सबसे पहले जनक की बात करें तो बाल मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जो है आपके जीन पियाजे साहब हैं। जीन पियाजे को पिता के रूप में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ना बच्चों के बारे में, एक जो बच्चा होता है उसके बारे में एक व्यवस्थित ढंग से स्टडी किया है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इनके, इनको समझने के लिए, इसलिए इन्हें पिता कहा जाता है। इनके बहुत सारे आगे चलकर आप सिद्धांत देखेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। वे पहले मनोवैज्ञानिक थे, ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों में समझ के अधिग्रहण का व्यवस्थित अध्ययन किया है, और इसलिए उन्हें बाल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। दो कारण है क्यों कहा जाता है इन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता। तो पहला कारण ये कि ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के बारे में व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया था, और ऐसा अध्ययन किया था कि हम बच्चों को अच्छे से समझ सके और उनका हम क्या कर सके, विकास में पूर्णता मदद कर सके। तो ये दो कारण थे जिनके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, बाल मनोवैज्ञानिक का, बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो ये आपके बाल मनोविज्ञान के पिता हैं। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का अगर हम इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी का एजुकेशन में देखें तो सिंपल सी बात है, अगर हम बच्चे को पढ़ाई में किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण उसका मानसिक या मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण बच्चा चुप रहता है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण बच्चा क्या करता है, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। जब हम इन सब समस्याओं को जान जाएंगे तो बच्चे का शैक्षिक स्तर किस प्रकार होना चाहिए इसका भी हम निर्धारण कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम बच्चे की समस्या को समझेंगे
जैसे हम एक एजुकेशन मिली, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी के हेल्प से समझ जाएं कि आखिर बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, आखिर ऐसे क्या कारण है कि बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, अगर हमें पता चल जाए कि बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि बच्चे को एक रटंट प्रणाली, जो क्या किया जाता है किताबी कीड़ा बनाया जाता है, उससे मुक्त, कुछ बच्चे क्या होते हैं क्रिएटिविटी टाइप से होते हैं, मतलब रचनावाद होते हैं, उनमें रचनात्मकता का गुण अधिक होता है, वो जिज्ञासु होते हैं, काल्पनिक रूप से होते हैं, मतलब वो किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहते। लेकिन हमारे जो अभी जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा नंबर नहीं ला रहा है, ज़्यादा बच्चा चीज़ों को रट नहीं पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो उसे वीक समझा जाता है, जबकि ये गलत बात है। अगर कोई बच्चा नहीं रट पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसे समझना होगा कि ऐसे क्या कारण है, हमें उसके कारण को पता लगाना होगा। और ये सब कारण पता लगाने में कौन मदद करता है, हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी मदद करता है, इसीलिए इसका हमारे एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के एजुकेशन को समझने के लिए या उसके एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी हम पढ़ना शुरू किए हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे जो मेन पॉइंट है वो होते हैं आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो डेवलपमेंट एवं ग्रोथ को हम एक बार समझेंगे, क्या होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ। देखिए, सबसे पहले मैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सिंपली बताऊं कि वृद्धि और विकास में जो मेनली अंतर होते हैं, वृद्धि और विकास ना बहुत थोड़े में ही इनका, मतलब ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ी सी इनमें अंतर है। क्या अंतर है, अब देखिए, जो वृद्धि होता है ना वो निश्चित समय तक के लिए होता है, एक वक्त के बाद वृद्धि रुक जाएगी। बच्चे का जो ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाएगा, लेकिन अगर बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट जब तक वो जी रहा है वो होता रहेगा। डेवलपमेंट क्या होता है, आपका निश्चित नहीं होता है, डेवलपमेंट होता रहता है कंटिन्यू, चाहे वो आपका किस प्रकार का डेवलपमेंट हो, चाहे आपका वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका कह सकते हैं सामाजिक, देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। देखिए, वृद्धि की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पर शारीरिक विकास तक ही वृद्धि हमारा सीमित है, लेकिन हमारा जो विकास है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिकता का विकास, समाज का विकास, भाषागत विकास, और आप जो भी विचार कर पा रहे हैं, व्यवहारिक जो ज्ञान हो रहा है, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, आपके विकास के माध्यम से हो रहा है। तो विकास जो है उसका जो कह सकते हैं स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जो वृद्धि है वो थोड़ा संकुचित है, मतलब एक लिमिट तक है वृद्धि, और हमारा जो विकास है वो लिमिटेड, अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक आपका डेवलपमेंट हो रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जो शामिल होते हैं, वो सारे तत्व आपके किस में आते हैं, आपके डेवलपमेंट में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार वृद्धि एवं विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस देखेंगे। जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आप लोगों को वृद्धि एवं विकास स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जो आपका वृद्धि होता है तो वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है, मतलब वृद्धि क्या होता है, निश्चित रूप से होता है, एक वक्त आएगा जब बच्चे का जो बॉडी का जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, लेकिन विकास नहीं रुकेगा। विकास मृत्यु पर्यंत तक, जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपका विकास होता रहेगा। आप बोलते नहीं है बस मैंने बहुत धोखा खा लिया है, मैं जिंदगी में बहुत कुछ सीख गया, तो ये क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। लेकिन वृद्धि है, एक टाइम के बाद आपका जो बॉडी का ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, तो वो क्या है, आपका वृद्धि है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि वृद्धि केवल शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। दूसरा, विकास में शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सारे परिवर्तन। अब ये सिर्फ आपने देखा शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, इसमें ना अब जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे आपका संवेग हो, आपके इमोशंस आ रहे हैं, संवेग आ रहे हैं, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, आप किसी से गुस्सा भी कर रहे हैं, आप प्यार से भी बात कर रहे हैं, आप किसी से एक मैनर तरीके से बात कर रहे हैं, आप अचानक से झुंझला जा रहे हैं, आप अपना संतुलन खो दे रहे हैं, आप शांतिपूर्वक भी रह रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप गुस्सा भी कर रहे हैं, इवन आपका जो एक कहना चाहिए अचानक से संतुलन बिगड़ गया, ये ठीक है, उसके अलावा आप डिसिप्लिन को बनाए रख रहे हैं, आप क्या करें, समाज से जो भी सामाजिक तत्व सीख रहे हैं, चाहे वो आपका
चाहे पॉजिटिव वाला देखें चाहे निगेटिव। पॉजिटिव में आप क्या देखते हैं कि लोगों की मदद किस प्रकार करनी चाहिए, मीन्स समाज सेवा कैसे करना चाहिए। निगेटिव कैसे हो जाएगा, लोगों को कैसे परेशान किया जाए, चोरी करना, रेप करना, ये सब क्या है, ये सब आपका विकास ही तो हो रहा है। विकास दो स्तर में होता है, या तो उसका प्रभाव निगेटिव रूप में होगा या तो पॉजिटिव रूप में। विकास का जो इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है, हम दो रूपों में देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो विकास आपका होता है, ये निश्चित है। तो हमने देखा विकास क्या होता है, इसके बहुत सारे मतलब आपका जो वृद्धि है वो सिर्फ शरीर के विकास तक या वृद्धि तक सीमित है, और आपका जो विकास है उसका स्तर फैला हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तारित रूप से है। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है, ये क्या होता है, मात्रा में होता है। लेकिन जो विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, एक वक्त होगा, एक वक्त तक आप ग्रोथ करेंगे, एक वक्त होगा, एक लंबाई, आप लंबाई देख सकते हैं, एक वक्त तक आपका क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगा। लेकिन लंबाई जब आपकी रुक जाएगी तो क्या होगा, वो आपका वृद्धि रुक गई, मतलब वृद्धि जो है आपका एक निश्चित समय तक है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक चलता है। मैंने बताया कि जब तक आप माता के गर्भ में हैं तो माता के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक अवस्था आती है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तब तक आपका विकास होता रहता है। वो भले बोलते हैं ना मैं जीवन के अनुभव में आपसे आगे हूं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, विकास है। मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है। सिंपल सी बात है, अगर वृद्धि हमारे क्या कह सकते हैं बॉडी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो कोशिका की विभाजन से होगी। लेकिन हमारा जो विकास है क्या वो इस प्रकार है, नहीं। हमारा जो विकास है वो वातावरण के साथ परिपक्वता एवं अंतःक्रिया से होता है। अब अंतःक्रिया क्या होता है, आपका नेचर से भी होता है, समाज से भी होता है, बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट रहते हैं। आप निर्जीव चीजें कह सकते हैं, नॉन लिविंग चीजें, पर्वत, पहाड़, सूरज, पानी, मिट्टी, इन सब से आप क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, आपस में कनेक्टेड है। तो विकास इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो विकास जो होता है वो आपका वातावरण के साथ साथ परिपक्वता, मैच्योरिटी और आपके अंतःक्रिया से होता है। लेकिन जो हमारा वृद्धि होता है वो शरीर में जो भी कोशिका का विभाजन होता है उस पर निर्भर करता है। वृद्धि विकास का क्या है, एक भाग है। मतलब जो ये समझ लीजिए कि ये आपका विकास है और ये वृद्धि है, तो ये क्या है, वृद्धि विकास का एक भाग है, एक पार्ट है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है, मैंने बताया कि बहुत ज्यादा क्या है, विस्तारित रूप में है, लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है विकास। आप जहां तक आप सोच नहीं सकते ना, आपका ना सोचना भी एक प्रकार का क्या है, विकास है, कि आप नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका विकास उस स्तर में हुआ है कि आप उस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, विकास है। बालक की उम्र, उसकी लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि को ना आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अभी हाइट मेरी इतनी है, छोटी हो गई तो आप उस हाइट को भी देख पा रहे हैं। ये आप मुझे इस तरह से देख पा रहे हैं, मेरे हाइट को, मेरा वेट जो भी, ये सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ये क्या आपका वृद्धि है। लेकिन विकास जो है, इधर देखिएगा, जबकि बालक में कार्य कुशलता, कार्य दक्षता आदि की वृद्धि को विकास कहा जाता है। मतलब बच्चा अगर कोई टैलेंट है, वीक है, कुछ काम को कर पा रहा है, कुछ काम को नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, आपका विकास होगा। लेकिन शारीरिक रूप से जो आप परिवर्तन देख रहे हैं वो एक प्रकार से आपका क्या है, वृद्धि है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है। मैंने आपको बताया कि एक वक्त तक आपका हाइट बढ़ेगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो वृद्धि क्या है, कुछ समय के बाद रुक जाता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे ही बालक माता के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर पूरे मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास होता रहता है। वृद्धि या अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला, चाहे वो आपका नैतिक विकास हो, चाहे आपका संवेगों का विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, ये सारी चीजें आपके किस में आएगा, विकास में आएगा। वृद्धि सीधे मापा जा सकता है, हम वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन क्या विकास में ऐसा है, नहीं है। विकास क्योंकि एक तक सीमित नहीं है, विकास क्या है, व्यापक रूप से है। तो वृद्धि सीधे मापा जा सकता है, उदाहरण ऊंचाई, भार, मोटाई, ये सब क्या है, आपकी वृद्धि में है। जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला
परिवर्तन है। तो ये क्या हो गया, वृद्धि विकास, क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा वृद्धि है, विकास है। चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, मेनली इसके दो जो पार्ट होते हैं वो वृद्धि विकास होते हैं, क्योंकि आप इसका क्या पढ़ेंगे, बालक का विकास देखेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी में आप बच्चों में किस प्रकार के विकास होता है, विकास की क्या क्या स्तर है, उसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये सारी चीजें आप समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है, साथ ही वृद्धि और विकास को हमने समझा और इसमें हमने अंतर देखा। आज के लिए इतना ही, कल हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। आज तक के लिए थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।